क्या कहना चाहेंगे, आज 18 साल का हो गया। मुझे अभी पता लगा भावेश मुझसे बड़ा है। ऑफ कोर्स मैं बड़ा हूं। तो मैं भावेश को जानती हूँ कब से, तब से जब से ये 8 साल का होगा शायद, उसके 18 बर्थडे में आना ही था। और ये बहुत खुश इसके पोस्ट से लग रहा था कि मैं फाइनली 18 साल का हो गया हूँ। और इतनी खुशी क्यों भावेश, मतलब क्या करना चाह रहे हो, इतना खुश क्यों, मतलब गाड़ी चलानी है? गाड़ी चलानी है, वोट देना है। ओके, सो किस तरह की बॉन्डिंग है आप लोगों की, थोड़ा सा बताइए कि भावेश और जन्नत की बॉन्डिंग कैसी है? सो मैं इसको हमेशा बाबू बोलती हूँ, बिकॉज़ हमने जो शो किया था साथ में उसमें मेरा एक छोटा भाई बना था, और इसलिए मुझे लगता नहीं कि मुझसे बड़ा है, तो ये मुझे अभी भी मेरा छोटा भाई जैसे ही लगता है, तो मैं इसको बाबू ही बोलती हूँ। श्योर। अरे चलता है ना यार। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, भावेश का बर्थडे है। सो मैं जस्ट कहना चाहूँगा मैनी मैनी हैपनिंग्स ऑफ द डे, और आप जी हजारों साल। अरे बाप रे, और हमेशा हमारे ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहे, ऐसे लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। हमेशा रहूंगा यार, हमेशा रहूंगा। आप लोगों को एक गाना है जो डेडिकेट करना चाहे बर्थडे के मौके पर? बर्थडे के मौके पर तुम जियो हजारों साल। यार तुम इससे तो रेट्रो नहीं हो सकते। एक तो भावेश की है हंसी, भावेश एक बार मेरा भाई कौन सी हंसी, मैं कुछ नहीं हंसता। स्टॉप साइलेंसर, ना बताओ कोई सजेस्ट करो आप लोग बर्थडे का, कोई भी बोल ना भावेश। मैं क्या बोलूं, मेरा बर्थडे है, तुम बोलो। अरे यार ये फंसा देते हैं, अभी मैं सोच के बाद में वापस आ जाते गाना गाने। कोई विश करना चाहेंगे भावेश के लिए? हाँ मैं सबको बताना चाहूँगी कि भावेश बहुत अच्छा है, और हम लोग ऑलमोस्ट एक दूसरे को पिछले 10 साल से जानते हैं, और भावेश आई थिंक अकेला ही ऐसा मेरा दोस्त है जो 10 साल से लेकर हमेशा से उसी तरह से हमारी फ्रेंडशिप रही है। हम भले ही हम ऑफिन नहीं मिलते हैं, मोस्टली से पार्टीज में मिलते हैं और बहुत कम बात होती है, लेकिन हमेशा से ये ना वो प्यार हम लोग का बढ़ता गया, हमारी दोस्ती उतनी गहरी होती गई है, सिर्फ भावेश से ही नहीं, इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली से, सब बहुत स्वीट हैं। और मैं चाहती हूँ कि बहुत हमेशा खुश रहे और बहुत तरक्की करे, और जैसे आने का हमेशा हमारा अच्छा दोस्त बना रहे। रुला दोगी तुम मेरे को। थैंक यू। मैं भावेश के 18th बर्थडे के लिए उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, और वो मेरे से पहले एडल्ट हो रहा है, मुझे उससे पहले बड़ा होना था, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत मज़ा करने वाली हूँ, और मैं उसको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी उसके नए जर्नी के लिए। कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी और भावेश की, कुछ फनी मेमोरी, अब तक की कोई फन मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? भावेश और मैं सेम स्कूल में जाते थे, तो हम लोग 4-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो हम स्कूल में भी बहुत मस्ती कर चुके हैं एक साथ, और हम बहुत सारे वीडियोस भी बनाते हैं एक साथ मॉल में जाके, और लोगों के साथ प्रैंक्स खेलते हैं, तो वही सारे फन मेमोरीज है उसके साथ। कोई सजेशन देना चाहेंगे उसको, क्योंकि वो 18 हो चुका है, आज के लिए कोई सजेशन होगा आपके साथ? सजेशन एज अ फ्रेंड, थोड़े प्रैंक्स खेलना बंद कर दे लोगों के साथ। थैंक यू। अठारह साल का वो हो गया है, 8 साल से मैं उसे जानती हूँ, यानी कि जब वो 10 साल का था मैं उसे तब से जानती हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी इज लीगली वो हर अब चीज़ें कर सकता है जो वो 15 साल की उम्र से करता था, ये उसका कैप्शन था। एंड अनुष्का इज हियर, जल्दी आ। अच्छा भावेश से पहले मुझसे मिली। ओके थैंक यू। कम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भावेश मेरा बचपन का दोस्त है, और आज 18 साल का हो गया, बहुत बड़ा हो गया हमसे, ज़्यादा बड़ा, और हम शूट करते रहते हैं एंड शूट करते रहते हैं हम लोग कंटिन्यूसली, तो एक ब्रेक मिल गया हमें, कि क्योंकि यू नो मैं तो इनफैक्ट 6 मंथ्स बाद एक पार्टी में आ रही हूँ, ऊपर से भावेश का बर्थडे ऐसा का बोनस, और रीम सबसे पहले मिल गया था ऐसा का बिग डील। आज के दिन के लिए क्या आपने क्या तैयारियाँ की थी,
क्या गिफ्ट मिला है? I tried my best to look gothic. Am I looking gothic? Yes, yes, you're looking gothic. We tried to wear black. That's the only thing that is important. Yeah, and we are wearing something quite similar. Yes, and I tried to make this a little gothic because मेरे को ये cross अच्छा लगता है, तो I just put this cross and try to look gothic. That you want to define about Bhavesh? Bhavesh? Prankster? For me, I think I always use this word affable because it means talented and it means a lot of things in Bhavesh. There are a lot of things in Bhavesh. So I think affable is the correct word for Bhavesh. And what are the good and bad things about Bhavesh? Good things about Bhavesh is he respects everybody and he is very talented. Hai, and he is always the same. He is always the same. Jabse main mili hun, tabse, in fact, better hote ja raha hai. Bad thing, I don't know. Bad thing, kuch nahi. Nahi hai. But one thing I really like about Bhavesh is that he's a really nice friend. Like, wo aise jatayega nahi that we are best friends or best friends. He's honest, actually. He's very honest about the friendship. Like, you know, we are just good friends, so you know, that's the fact. Aisa nahi ki ek dusre ko jaan puch ke, best friend aur ye sab hum karte hain. So I think he's really honest about his friendship, and that's something that I really appreciate about him. Okay, lastly, koi suggestion dena chahenge? 18 saal ke baad aap bahut sari cheeze kar sakte ho. Driving license mil jata hai. Sabse pehle driving seekh lo. Driving seekh lo. मेरा 18 के बाद है, आई वांट टू गो वर्ल्ड टूर पे. दैट्स माय आफ्टर 18 प्लान. व्हाट्स योर आफ्टर 18? ड्राइविंग. सिंस आई लव ट्रैवलिंग और मुझे ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना बहुत पसंद है. एक्चुअली कितना मजा आएगा. नहीं, देन आई टेक एवरीबॉडी. वी विल गो. या ठीक है. एनी सॉन्ग यू वुड लाइक टू डेडिकेट टू भावेश? हां, रीम वुड लव टू. I am a terrible singer. No. She's a great singer. No. Please, अगर आप इंटरव्यू कंटिन्यू देखना चाहते हैं, फिर अगर आप डिसलाइक करें मैं ये चाहूँगी नहीं, तो इससे अच्छा मैं गाऊँ ना. नहीं, बट हैप्पी बर्थडे भावेश. तुम जियो हजारों साल, ये है दिल की आरजू. एक्चुअली स्टिल सेम. फ्रीडम तो मेरे ख्याल से उसको पहले से ही था. आई डोंट थिंक सो, यू हैव टू वेट टिल 18. बट हाँ, कुछ अलग टाइप का फ्रीडम उसको मिलने वाला है, जैसे ड्राइव वगैरह करने का लीगल लाइसेंस मिलेगा उसे. सो आई होप ही ड्राइव्स वेल. आई ड्राइव वेल. आई टेक यू टू अ राइड आल्सो. ओके, टेक मी ऑन अ राइड. कूल. One good thing about Bhavesh is a very obedient child. He is a very obedient child. He obeys. And one bad thing about बहुत गंदे PJs मारता है. अरे बीच मेरे जोक्स अच्छे होते हैं, वो बीच को बस अच्छे नहीं. नहीं, बहुत खराब PJs होते हैं इसके, मुझे कभी पसंद नहीं आए और बहुत इरिटेटिंग होते हैं. हमारी बहुत साल की बॉन्डिंग है. आई थिंक 2011 से हमारी बॉन्डिंग है. सो या, वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स भावेश. एज आई सेड, ही इज वेरी ओबीडिएंट, बट वन वर्ड इफ आई हैव टू से अबाउट भावेश, ही इज, यू कैन से परफेक्ट. यू कैन जज इट. No, he's not. Oh, come on. No, he's not. He's nothing but perfect. You should never be perfect. Perfect is a very different bar. You know, should always be. There should be beauty in imperfections. Point. Taken. 18. Yeah. Aaj ek naya cheez seekh liya. Thank you so much. Thanks so much. तो थीम है गॉथ. गॉथ मीन्स ब्लैक, और इसलिए आज हम सब ब्लैक पहने हुए हैं. जितने भी लोग आए हैं, भावेश ने ये थीम रखी है, और बहुत खुशी हो रही है कि भावेश 18 का हो गया है. वो जब 16 और 15 का, तब भी बहुत हरकतें करता था. अभी उसको लाइसेंस मिल गया है, मतलब क्लबिंग तो करता ही था, पार्टीज में जाता था, लाइक गाड़ी वाड़ी था, बट अभी सब कुछ सारी चीज़ों का लाइसेंस मिल गया है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, एंड बहुत ही रियल है, एंड ही इज़ वेरी गुड, वेरी हार्ड वर्किंग. सो बस यही कहूँगा, जैसे हो वैसे ही रहो और बस आगे बढ़ते रहो. 18 साल का हो गया है, बहुत सारी चीज़ें लीगल हो गई हैं, कुछ सजेशन है जो आप दोनों उसको देना चाहें? खराब काम मत करो, जितने काम में सब करो, जितने अच्छे काम, दैट्स इट. तो क्या फायदा? इनसे एडवाइस ना ले. उससे एडवाइस ना ले, क्योंकि मैं हमेशा उसको बिगाड़ने में, और वो मुझे बिगाड़ने में बहुत है. तो आई थिंक मैं जस्ट इतना बोलना चाहूँगी कि यार, जैसा तू है वैसा रहे, और जो तेरी स्माइल है स्पेशली, वो कोई स्माइल, वो स्माइल करता है ना, तो सब उसको देख के स्माइल करते हैं. एक ये बात है. And I would just
विश हिम हैप्पी बर्थडे भावेश. बस यू लाइक टू शेयर एनी स्पेशल मेमोरी एंड भावेश आर टुगेदर. स्पेशल मेमोरी तो ऐसे कल रात को मैं उसके घर पे बर्थडे केक हम लोग काटने गए थे एंड वो क्या कहते हैं हम लोग ने केक काटा था. नहीं नहीं उससे पहले की बर्थडे की बात है. तो उसके मुंह पे जो हम लोगों ने केक लगाया ना वो बंदा बोल रहा है दो दिन तक यार फेस में मेरा केक का हट ही नहीं रहा है तुम लोगों ने इतना. सो इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बहुत मस्ती करते हैं. कोई एक खास मेमोरी तो नहीं है उसके साथ बट हाँ जब भी वो हमारे सेट पे आते हैं मिलने मेरे घर पर. अरे मेमोरी याद है यार वो बर्थडे में आया था. एक पार्टी थी हमारे यहाँ और हमने नया नया सोफ़ा ख़रीदा था क्योंकि अभी मैंने नया घर खरीदा था वहाँ पे हमने नया नया सोफ़ा लगाया. सो वो बंदा आते ही हफ्ते पहले सोफे में केक लगाया वो तो ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया उसको जला दिया तो पूरा सोफ़ा जल गया. तो ये मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी है हम दोनों ने मिल के जो मम्मी की तो डांट पड़ी उसके बाद. उसके बाद हम दोनों को बहुत डांट पड़ी. आई थिंक बैड थिंग तो नहीं कहूँगा जो भी है जैसा भी है बहुत ही गुड बॉय है और बैड नहीं कहूँगा. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल बंदा जो अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करता है एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. वन वर्ड दैट डिफाइन्स एनर्जेटिक. एनर्जेटिक यस एंड या फन लविंग. फन लविंग. अडल्ट फाइनली बच्चा बड़ा हो गया. सो ही मैसेज में पहले मेरा बर्थडे है उसके बाद उसका एक और मैसेज आया सेइंग आई एम टर्निंग 18. सो आई वाज लाइक ओह आई हैव टू बी देयर. इट्स अ ट्रांजिशन. बहुत अच्छा लड़का है. आई होप दैट ही ग्रोज अप एंड बिकम्स अ रियली रियली गुड मैन. मैं जब 18 की हुई थी मैं बिग बॉस के अंदर थी तो वहाँ पे कुछ खास सजेशंस नहीं थे. लेकिन जाने से पहले आई रिमेम्बर मम्मा पापा ने मुझसे कहा था कि ये बहुत ही ट्रिकी टाइम होता है बिकॉज टीनेज अडल्टहुड यू नो कहने को आप नंबर से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. सडनली कल 17 आज 18 कुछ चेंज नहीं होता टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाता है इन केस यू ड्राइव. बट mentally it's more important कि आप इस fact को accept करें that हर चीज़ जो life में हो रही है you have to analyze and make your own decisions and ये phase है of more understanding trial and error. तो I hope भावेश does the best. भावेश के साथ किस तरह की memory रही है कोई fun memory अगर आप share करना चाहें आज के साथ. I think starting from he's like छोटा भाई actually because I remember मीरा की set पे when मेरे look test वगैरह चल रहे थे कि क्या look होगा and stuff भावेश should be coming. अरे ओ शी इज प्लेइंग बड़ी मीरा एंड आई थिंक दैट होल वाइब. इन फैक्ट मेरे हर बर्थडे पर भावेश और उसकी मामू उसकी पूरी फैमिली आती है. इट्स मोर देन सिर्फ एक्टर टू एक्टर रिलेशनशिप. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है. वेरी बिग रीज़न कि टुडे मैं पापा वी ऑल केम बिकॉज वी वर लाइक नहीं इट्स मोर लाइक फैमिली. बैड उसने मुझे कभी जानने नहीं दी. गुड दैट ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पीपल. एंड इफ यू वांट टू डिफाइन भावेश इन वन वर्ड व्हाट इट इज. नोटोरियस. थैंक यू सो मच.